पापा इस वक्त खैरियत तो है ना? ओए खैरियत ही तो नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि गेट छोड़ के तो कहीं नहीं गए थे ना? नहीं बाबा, मैं तो शाम से ड्यूटी पर हूँ, एक मिनट के लिए भी कहीं आगे पीछे नहीं गया। तुम अभी तक अपने क्वार्टर क्यों नहीं गए? ओ मैं क्वार्टर ही जा रहा था, रास्ते में मुझे आहट की आवाज सुनाई दी, मैं उधर गया तो देखा उधर को है पिछले लान की तरफ। चलो बाबा मुझे वो बताओ मनुष है किधर। चलो चलो आओ जल्दी। अरे बाबा ये तो साहब खुद हैं। जी तजम्मुल साहब, लगता है इस मुसव्विर के दिन भी जल्द बदलने वाले हैं। आप जैसे कदरदान के कदम जो ठहर गए इधर, कैसी लगी आपको नुमाइश? अच्छा काम लगा हुआ है। लेकिन आपके अख्तर साहब की कोई तस्वीर नहीं है इस एग्जीबिशन में। कमाल करती हैं यास्मीन, इतनी कामयाब सोलो एग्जीबिशन के बाद मैं उन्हें किसी ऐसी ग्रुप एग्जीबिशन में लेकर आऊंगा क्या? आपको मालूम है कि इस बार अख्तर साहब के मास्टरपीस इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए मुंतखब हुए हैं। अरे छोड़िए, ये खबर तो बहुत पुरानी हो गई है। मैं आपको अंदर की एक लेटेस्ट खबर सुनाती हूँ जो शायद कल के अखबार में शाया भी हो जाए। खबर क्या है? इंटरनेशनल मुकाबले में अख्तर साहब की एक तस्वीर को अव्वल दर्जे का करार दिया जा रहा है। रियली? जी बिल्कुल, मगर हम तो मुबारकबाद उस तस्वीर के असल हकदार मुसव्विर को ही देंगे, और वो भी कल शाम चाय पर। यकीनन अख्तर भी वहीं होगा। तो फिर कल शाम चाय पर डन। ओके जी बाय। सर ये रहे आज के अखबार, इस खबर पर मैंने निशान लगा दिया। गुड, इसका मतलब है कि खबर दुरुस्त निकली, अख्तर को ही पहले इनाम का हकदार करार दिया गया है। बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सर। ये ना सिर्फ अख्तर साहब के लिए बल्कि आपके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। रूफ तुम ऐसा करो कि फौरन आर्ट्स काउंसिल चले जाओ और वहाँ क्यूरेटर मैडम नसरीन से मिलो और उनसे कहो कि हम इस इनाम को सरमनाइज करना चाहते हैं, इसके इंतजामात मुकम्मल कर ले और तमाम मीडिया को भी दावत दे दी जाए। राइट? और हाँ, कल या परसों की कोई सी भी तारीख तय कर लेना और उनसे कहिएगा कि अखराजात की फिक्र ना करें, हमारी कंपनी सब कुछ बर्दाश्त करेगी। और हाँ सुनो, वापसी पर स्टूडियो आ जाना, मैं वहीं जा रहा हूँ अख्तर से मिलने। ओके सर। हेलो जी मैडम। जी जी जी, मैंने आपका पैगाम उनको पहुँचा दिया था जी। जी हाँ, मैंने उनको बता दिया था कि आप तजम्मुल साहब के हवाले से उनसे मिलना चाहती हैं जी। नहीं, वो इस वक्त बात नहीं करना चाहते जी। बेहतर जी, बेहतर जी।
साहब। हूँ। मुझे नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है। सर इस तरह तो आपकी सेहत और खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। जी बेहतर। वो साहब क्या है? उन्हीं बीबी का फोन आया था जो तुजम्मल साहब के हवाले से आपसे बात करना चाहती है, और खुद तुजम्मल साहब भी कई दफा फोन कर चुके हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी। जी बेहतर। ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा उससे बात। ओके अल्लाह हाफिज़। अरे तुजम्मल साहब कहीं जा रहे हैं? जी एक जरूरी काम से जा रहा था, अब आप आ गई हैं तो रुक जाते हैं। नहीं नहीं मैं भी जरा जल्दी में हूँ। ये बताइए कल की खबर देखी है आपने? जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुजम्मल साहब ये सब आपकी वजह से है, वरना आपके उस मुसव्विर में ना ऐसे भी कोई खसाइस नहीं कि उसके लिए एक लाइन भी लिखी जाए। क्यों क्या हुआ? कल से 3 बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन आपके वो लैब वाले एक मुसव्विर हैं कि फोन तक पे बात करना गवारा नहीं करते। देखिए यास्मीन, मैं अख्तर की तरफ से माजरा चाहता हूँ। आप तो जानती हैं ये फनकार लोग ऐसे ही होते हैं, हर वक्त अपनी दुनिया में गुम रहने वाले लोग। बहरहाल शाम को तो चाय पर आ रही है ना, तो मुलाकात हो जाएगी, इंटरव्यू भी कर लीजिएगा, राइट? जी जरूर, अब मैं भी चलती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी कैसे हैं? सलाम सरकार। वाले सलाम। कहाँ है अख्तर साहब? जी उधर बाग में टहल रहे हैं। मैंने नाश्ते के लिए कहा कि सरकार आके नाश्ता कर लें, उल्टा मुझे ही झिड़क दिया, और धूप में टहल रहे हैं वो सरकार। रात को क्या? रात को क्या? मैं तो डर ही गया था। क्यों? हुआ यूं सरकार कि रात को मैं क्वार्टर की तरफ जा रहा था, देखा तो कोई शख्स बाग में घूम रहा है। मैंने गार्ड को बुलाया, हम दोनों ने जाके देखा तो आगे अख्तर साहब थे। शुक्र है कि हमने शोर नहीं मचा दिया। इस किस्म के लोगों की आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, इसलिए अलग थलग रहना चाहते हैं। सरकार मैं ना खुद यहाँ आता हूँ और ना किसी को आने देता हूँ। 5-10 मिनट के लिए आता हूँ, सफाई करके मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा सरकार। हाँ क्या बात है? कुछ रोज से कुछ गड़बड़ है। एक बार कह जो दिए कि आप फनकारों को नहीं समझ सकते, ये हर वक्त परेशान से रहते हैं। जाओ उसे जल्दी से बुला कर लाओ। जी बेहतर, मैं अभी बुला के लाता हूँ। वो तुजम्मल साहब आए हैं और आपको याद फरमा रहे हैं। कहिए। आज बहुत देर तक बाग में टहलते रहे हूं। जी हाँ। मालूम है, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूं। अभी मेरे एक दोस्त ने फोन किया है और उन्होंने बताया है कि आपकी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया गया है। मुझे अखबार से मालूम हो चुका है। तुम्हें इस खबर से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। कुछ कहोगे नहीं? मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता। बेवकूफ मत बनो अख्तर, साफ साफ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस रुखसत होने की इजाजत दीजिए। इस पागलपन की इजाजत मैं कैसे दे सकता हूं? क्यों नहीं दे सकते आप, आखिर क्यों? इसकी वजह तुम नहीं जानते क्या? रऊफ साहब, मेरी तरफ से अख्तर साहब को और तुजम्मल साहब को बहुत मुबारकबाद दीजिएगा, और तुजम्मल साहब से कहिएगा कि बिल्कुल बेफिक्र रहें, तकरीब का पूरा इंतज़ाम इंशाल्लाह उनके शायान शान होगा। बहुत शुक्रिया मैडम आपका।
और हाँ, मीडिया के लिए खास तौर पर तजमल साहब ने हिदायत की थी, सबको बुलवाना है। उनसे कहिएगा बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आज ही दावतनामे और प्रेस रिलीज जारी कर दूंगी। बहुत शुक्रिया मैडम, मुझे अब इजाज़त। जी बिल्कुल। ये आर्टिस्टों को कुछ दोरे शोरे भी पढ़ते रहते हैं, ये शायद कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। मुझे इसके लिए मजबूर ना कीजिए। क्या हमाकत है, एक शख्स को दलदल से निकाल कर लाया जाता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसी दलदल में जाने पर आमादा हो जाता है, ये कोई बात है भला? मेरे फन की बेहतरी इसी में है कि मैं यहां से चला जाऊं। फन की बात करते हो, यहां आने से पहले भी तुम्हारे पास फन था और आज भी फन है, कितना फर्क है दोनों में, ये फर्क तुम खुद नहीं जानते क्या? क्या आप समझते हैं कि मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार नहीं? अगर तुम संजीदगी से बात कर रहे हो तो सुन लो, गौर से सुन लो, मैं तुम्हें जाने की इजाजत हर किस नहीं दे सकता। लोग क्या कहेंगे, ये तोहीन है मेरी। लोगों को मेरे या आपके जाती मामला से क्या वास्ता तजमल साहब? लोग कहेंगे कि एक कलाश को झोपड़ी में से उठाकर लाया दिखावे के लिए और फिर वापस भेज दिया उसे, तोहीन नहीं है तो और क्या है? साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे खरीद लिया है, जर खरीद गुलाम हूं मैं आपका। तजमल साहब, आज मेरे कदम आपके इस कीमती कालीन पर तो है, लेकिन इस कीमती कालीन से मुझे अपने फन की लहू की बू आती है। आज से 2 साल पहले रहता तो बेशक मैं झोपड़े में था, मेरे ये रंग मुझसे बातें करते थे, मैं इनसे अटकेलियां करता था। पर आज मैं आपके शानदार स्टूडियो में हूं, मेरे ये रंग मुझसे रूठ गए, मुझसे बात नहीं करते। अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। आप मुझे इस तरह नहीं रोक सकते। ठीक कर रहे हो तुम, इसलिए कि तुम आज बहुत बुलंदी पर पहुंच गए हो, इसलिए जा रहे हो ना, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं कि इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए मेरा भी कुछ हिस्सा है। अगर आप इसरार ही करते हैं तो सुनिए, इस शख्स को आप तंग और तारीख कोठड़ी से निकाल कर लाए थे, वो मसवर अख्तर तो कब का मर चुका है और जो आप इस शानदार स्टूडियो में आपके सामने बैठा है, ये उसकी चलती फिरती लाश है। मेरा ख्याल है दौरा बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को बुलाना ही चाहिए। ठहरिए और सुनकर जाइए, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। ये बड़ी हकीकत है या नहीं इसका फैसला डॉक्टर करेगा। अभी तक आप तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख देख रहे थे, दूसरा रुख देखिए अब आप। मेरे नाम से जितनी भी तस्वीरें आपके शीशफल से बाहर गई हैं, उनमें से एक भी मेरी नहीं है। तो मामला इतनी दूर निकल जाएगा, मुझे इसका वहम कुमा भी नहीं था। मेरा ख्याल है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तजमल साहब, तहमल से काम लीजिए तजमल साहब, और कहने दीजिए जो कुछ मुझे कहना है। तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो, तहमल से खाक काम लूं? जब हकीकत खुल जाएगी तो फिर फैसला कीजिएगा कि यह पागलपन है या कुछ और। यह पागलपन नहीं है तो और क्या है? 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो, यहां पर कई तस्वीर तुमने बनाई हैं, बड़े बड़े घरों में वो आवीजा हैं, कुछ तो मैंने तोहफतन दोस्तों को दिए हैं, वो सब तुम्हारी तस्वीर हैं, तुम्हारी तकलीफ। मगर अब तुम कहते हो कि वो मेरी नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये कश्मकश मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। ये तुम्हें आज क्या हो गया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर को तुम बुलाने नहीं देते, आखिर क्या वजह है, मुझे कुछ समझ तो आए। ये कोई मामला नहीं है रजमल साहब जिसे आप समझ ना सके, बहुत आसान सी बात है। आज से 2 साल पहले जब मैं तंग और तारीख गलियों के एक खस्ता
कपड़ानुमा मकान में रहता था, कोई भी मुझे नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे, और जो जानते थे सिर्फ इतना पता था कि मैं एक मुफलिस कलाश और गुमनाम मुसव्विर हूं। ये जिक्र करना क्या जरूरी है? आप नहीं जानते कि आपकी सुलूक ने मुझ पर क्या असर डाला। इस हकीकत से पहले आप मेरी नजर में बहुत बड़े इंसान थे। आपने मेरी तस्वीरों को अपने दोस्तों को दिखाया, उनके दफातर में लगाया, मेरी शोहरत के लिए उनको बड़े बड़े अखबारात और जराइद में छपवाया। एक फरिश्ता थे आप। मैं नहीं समझ सकता कि मेरे जिक्र से तुम्हारा मकसद क्या है। जो जो मुझ पर यह हकीकत खुलती गई जंबल साहब, एक एहसास मेरे दिमाग में जन्म लेने लगा कि जो कुछ भी मैंने आपके बारे में सोचा था गलत फहमी थी मेरी, हकीकत कुछ और थी। क्या मतलब? आपकी फन नवाज शख्सियत, ये फन की सरप्रस्ती, महज एक दिखावा थी, साथी अना की तस्कीन थी, इसके पीछे भी मकसद छुपा हुआ था तजम्मल साहब, मकसद खुद नुमाई का। सोसाइटी में अपने आप को एक बड़ा इंसान साबित करने का मकसद। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मगर ऐसा कहने से हकीकत तो बदल सकती ना तजम्मल साहब। मैं आपके यहां महज एक जर खरीद था, और जब इस बात का मुझे एहसास हुआ तो मेरी सलाहियतों पर बर्फ की तह जम गई। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मेरे खाम पेशा दोस्त से हुई, जो बदस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। मैं तुम्हारे इस एहसास को समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा दोस्त और हम पेशा होने के नाते तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ कंप्रोमाइजेस तो करने ही पड़ते हैं। देखो, अगर आज तुम तस्वीरें नहीं बना सकते तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हारी जगह मैं तस्वीरें बना दिया करूँगा, और इसके बदले में तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करना कि मैं और मेरा ख़ानदान इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी गुजार सके। क्या मतलब है तेरा? वही जो तू समझ रहा है, ये गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है यार। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, मगर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। आए दिन मालिक मकान तंग करता है, और बहन की शादी भी तो करनी है मुझे। ये तजवीज मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त थी, मगर उसका इसरार बढ़ता रहा, और फिर इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और मकरूह खेल था। मुझे यहां से रुपये हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रुपये मैं उसे देता और वो मुझे अपनी तस्वीरें, और उन तस्वीरों को तुम अपनी तखलीक बनाकर पेश कर देता था। तो अब तक तुम हमें धोखा देते रहे हो। ये धोखा है, इत्तफाक है, या हादसा? मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो। मैं भी नहीं सोच सकता था, लेकिन मजबूर था। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपनी औलाद को, अपनी तखलीक को चंद सिक्कों की खातिर किसी और की झोली में डाल देना। Thank you.
न्यासी को यह पता चला होगा कि उसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। ये तसव्वुर करके मैं काम कर रह जाता हूं। बेकार में इतनी आजाइशें दी तुम्हें मैंने। इसकी कीमत वसूल कर चुके हो तुम। किसी फनकार की सरपरस्ती भी करते हो तो महज अपने मतलब के लिए। अपने गरेबान में मुंह डालकर देखो तुम क्या हो, एहसान फरामोश, चोर, मुजरिम। तजमल साहब मैं तो सब कुछ हूं, तुम क्या हो? दूसरों का जुर्म तो देख लेते हो, जुर्म तो मैं नजर नहीं आता था। बोलो ना अख्तर साहब। अख्तर साहब जाओ यहां से। तजमल साहब बाहर कोई आदमी खड़ा है, वो कह रहा है कि अख्तर साहब के कोई दोस्त है न्याजी साहब, उन्होंने खुदकुशी कर ली। सर जाओ यहां से। सुना तुमने तजमल, तुम हो उसके कातिल। बात करो, तुमने कत्ल किया उसे और तुमने एक कत्ल भी नहीं किया, दो दो कत्ल किए हैं तुमने, एक मुसफिर का और एक उसके फन का। कातिल हो तुम, कातिल। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि तुमने कत्ल किया है। जाओ, तुमने कत्ल किया। जाओ यहां से। तुम मुझे नहीं निकलो। तुम निकल।